Hello friends, in this video we will going to discuss CPU settling algorithm first come first serve which is FCFS. Friends, agar aap hamare channel par naye hain to please subscribe my channel or press the bell icon so that latest notifications aapko time par mil sake. So now let's start. Here is the question which is based on FCFS, and FCFS comes under non-primitive. So what is primitive and non-primitive? So at first I would like to explain what is primitive and non-primitive. तो हमारा जो सेटलिंग एल्गोरिथम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट प्रिमिटिव एंड सेकेंड वन नॉन प्रिमिटिव. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो है प्रिमिटिव क्या होता है. तो प्रिमिटिव के केस में क्या होता है कि जैसे हमारा सीपीयू है तो हमारा प्रोसेस उस पर जो है एग्जीक्यूट करने वाला है, तो हमने जितने भी हमारे पास प्रोसेस है 5-10 जितने भी प्रोसेस है हमने सबको एक टाइम दे दिया है. जितना भी हमें टाइम क्वांटम सेट करना है सारे प्रोसेस का, हमने जो है प्रिमिटिव के केस में वो सारे प्रोसेस को, लेट्स सपोज हमने जो है दो दो यूनिट यानी या दो दो मिनट हमने सारे प्रोसेस को टाइम दे दिया. ठीक है, अब दो दो मिनट का जो टाइम दिया है अब उसी दो दो मिनट के टाइम में वो सारा प्रोसेस जो है एक एक करके आएगा सीपीयू में और एग्जीक्यूट करेगा. तो P1 का, लेट्स सपोज P1 का टाइम आया, P1 गया सीपीयू में एग्जीक्यूट किया, जैसे ही दो मिनट उसका पूरा हुआ उसे वहां से निकाल दिया जाएगा. भले ही P1 को और टाइम चाहिए था उसको जो है एग्जीक्यूट करने में, उसके अपने टास्क को पूरा करने में 3 मिनट चाहिए था, 5 मिनट चाहिए था, लेकिन हमने सारे प्रोसेस को वहां पे क्या दो दो मिनट का टाइम असाइन करवाया है. तो 2 मिनट जैसे ही पूरा होगा हमने उस प्रोसेस को निकाल करके दूसरे वाले प्रोसेस को वहां पे प्लेस कर देंगे, चाहे उसका टाइम बचा ही क्यों ना हो, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने सबको जो है दो दो मिनट का टाइम दिया है. हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसमें प्रिमिटिव के केस में टाइम क्वांटम सेट करते हैं ताकि जो है ना जितने भी प्रोसेस है उसको जो है मतलब वेट ना करना पड़े, सारे प्रोसेस का जो है टाइम आता रहे. कोई ऐसा ना हो कि एक ही प्रोसेस को अगर 10 मिनट लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है, तो बाकी सारा प्रोसेस जो है वेटिंग लिस्ट में है, वो वेट कर रहा है कि हाँ वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करके निकलेगा, देन जा करके मेरा नंबर आएगा. तो हम इसलिए ऐसा करते हैं कि सारे प्रोसेस को तुरंत तुरंत टाइम मिल जाए प्रिमिटिव के केस में. एंड नॉन प्रिमिटिव के केस में क्या होता है कि इसमें टाइम क्वांटम सेट नहीं होता. अगर एक बार सीपीयू में आ गया हमारा कोई भी प्रोसेस तो वो तब तक नहीं निकाल सकते हैं, उसको फोर्सफुल्ली भी कभी नहीं निकाल सकते जब तक कि वो अपना पूरा टाइम उसमें पूरा एग्जीक्यूट ना कर जाए. जब वो पूरा एग्जीक्यूट कर जाता है देन जाकर के हम उसको वहां से वो निकलता है. हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये FCFS पे बेस्ड है. इट मींस कि जो है प्रोसेस अगर एक बार ही आ गया सीपीयू में तो वो अपना पूरा टाइम कंप्लीट करके ही निकलेगा यहाँ से, उससे पहले वो नहीं जा सकता है. क्वेश्चन में क्या रहेगा, हमें यहाँ पे ये चीजें गिवन रहेगी विच इज प्रोसेस नंबर, है ना, P1, P2, P3, P5 जितना भी वो दे दे, और जो है अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम, ये चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगी और ये चीजें हमें निकालनी पड़ती है. अब इसमें से चाहे वो कुछ भी कह दे निकालने के लिए, या तो कंप्लीशन टाइम या टर्न अराउंड टाइम या वेटिंग टाइम, ओके, या रिस्पॉन्स टाइम, तो ये चीजें हमें निकालनी पड़ेगी. FCFS अराइवल टाइम पर फोकस करता है, तो ये हमारा प्रोसेस P1, P2, P3, P4 तक है, ये प्रोसेस नंबर है, ये हमारा अराइवल टाइम है, दिस वन इज बर्स्ट टाइम ऑफ दिस प्रोसेस, एंड कंप्लीशन टाइम है दिस वन, एंड टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एंड दिस वन इज रिस्पॉन्स टाइम. क्वेश्चन को हम गैंट चार्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे. गैंट चार्ट क्या होता है कि जस्ट आपके जो प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन होता है उसके फ्लो को बताता है कि आपने किस प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूशन के लिए लिया है और फिर वो कब तक जो है एग्जीक्यूट किया है, फिर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद आपने कौन से प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूशन के लिए लिया है, ये गैंट चार्ट बताता है. हमारे पास यहाँ पे सारे प्रोसेस है विच इज P1, P2, P3. सो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, विच वन आई विल शेड्यूल एट फर्स्ट. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले हमारा जो ये अराइवल टाइम है, अराइवल टाइम इसका दिया है P1 का 0 है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, P1 आ रहा है. ठीक है, हमारा रेडी क्यू से सीपीयू में जो है P1 आ रहा है क्योंकि अराइवल टाइम इसका सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया है, P1 आया है, तो हमने इसको यहाँ पे सीपीयू में जो है इसको रन कराया.
तो जीरो पे ये आया, जीरो पे इसने आया, और इसका बर्स्ट टाइम हम देखेंगे, क्योंकि जो है एफसीएफएस किस पे अराइवल टाइम पे वर्क करता है, तो इसको सबसे पहले इसने देखा कि इसका सबसे कम किसका अराइवल टाइम, विच इज पी1 का, तो पी1 को लाया यहाँ पे एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो अब इसका हम बर्स्ट टाइम देखेंगे, है ना। तो बर्स्ट टाइम इसको कितना जो है एग्जीक्यूशन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, तो इसको मान लीजिए कि 2 यूनिट रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। इसको जो है एग्जीक्यूट करने के लिए इसको 2 यूनिट चाहिए, तो इसने जो है एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आया 2 यूनिट पे, तो ये हमारा P1 एग्जीक्यूट कर गया। ओके, P1 कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव है, तो यहाँ पे जो हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है हम उसको उतना टाइम दे देंगे। तो ये इसकी 2 की रिक्वायरमेंट थी, 2 यूनिट की, हमने इसको दे दिया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जैसे ही 2 पे ये कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे देखिए P2 आ चुका है, ठीक है, रेडी क्यू में हमारा P2 आ चुका है। अब 0 और 1 के बीच में कहीं पे तो 1 आया होगा, तो वहां जहां पे 1 आया है P2, वो रेडी क्यू में आ चुका है। जब P1 P2 रेडी क्यू में आ चुका है, जब P1 एग्जीक्यूट कर रहा था जब ही, ठीक है। तो जैसे ही P1 कंप्लीट हुआ, तो हमने P2 को एग्जीक्यूशन के लिए लाया। अब यहाँ पे P2 आ गया एग्जीक्यूशन के लिए। अब इसका बॉस टाइम क्या है, तो 2 है, इसका बॉस टाइम 2 है, तो इसको भी मैंने जो है 2 यूनिट तक चलाया। इसको भी 2 यूनिट चलाने के बाद ये कितना होगा, 4, 2 और इसका 2 मिलकर के 4 हो गया। उसके बाद जैसे ही 4 हुआ, तो 4 पे मैंने देखा P3 भी आ गया रेडी क्यू में, ठीक है, P3 भी। लेकिन ये जैसे ही 4 पे कंप्लीट हुआ P2, उतनी ही देर में P3 भी आ गया है। तो हमने क्या किया, P3 को जो है यहाँ पे ले आया एग्जीक्यूशन के लिए। अब हमारा P3 आ गया, ठीक है। अब P3 का बॉस टाइम क्या है, तो 4 है, तो 4 इसका 4 इसका मिलकर के P3 का 4 है, तो मिलकर के 8 हो गया, ठीक है। जैसे ही 8 पे P3 ने कंप्लीट किया, 8 पे P3 ने कंप्लीट किया, लेकिन P4 जो हमारा प्रोसेस है वो कितने पे, 5 पे ही आ गया है, है ना। 5 अराइवल टाइम पे ही वो आ गया है, और इसने P3 ने 8 पे कंप्लीट किया अपने जो अपने एग्जीक्यूशन को। तो जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, फिर हमने P1 को P4 को जो है ले आए, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए। P4 का बॉस टाइम क्या है, 1, तो ये 8 और 1 9, ठीक है, तो ये 9 हो गया। अब ये P4 भी जो है एग्जीक्यूट कर गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, विच इज ये कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम हम कैसे निकालते हैं, तो कंप्लीशन टाइम के लिए जस्ट आप इधर लेफ्ट से सॉरी राइट से देखिए कि P1 ने कब कंप्लीट किया था, तो 2 पे कंप्लीट किया था, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। P2 ने कब कंप्लीट किया है, तो 4th पे, तो हमने यहाँ पे 4th लिखा। देन P3 ने कब कंप्लीट किया है, तो P3 ने 8 पे कंप्लीट किया है, ओके। देन P4th का हुआ है 9 पे कंप्लीट, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब यहाँ पे हमें निकालना है, अब हम यहाँ निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है एक, तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, हम यहाँ पे सबका फॉर्मूला देख लेते हैं, टर्न अराउंड टाइम का, रिस्पॉन्स टाइम का, वेटिंग टाइम का है, ओके। तो टर्न अराउंड टाइम को हम यहाँ पे, अगर हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम तो हमने अभी निकाला यहाँ से कि P1 ने कब कंप्लीट किया था, तो 2 पे, P2 ने कब, तो 4th पे, P3 ने 8 पे, और P4 ने 9 पे कंप्लीट किया, ओके। एंड टर्न अराउंड टाइम को जो है कंप्लीशन माइनस अराइवल टाइम को ये करके, कंप्लीशन माइनस अराइवल टाइम करेंगे, तो हमारा टर्न अराउंड टाइम होगा। अब टर्न अराउंड टाइम होता क्या है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस हमारा कितनी देर तक जो है सिस्टम में रुका, वो कब आया था, कब कंप्लीट हुआ, ओके। देन उसके बाद होता है वेटिंग टाइम। व्हाट इज वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बॉस टाइम। तो वेटिंग टाइम होता क्या है कि मतलब इसको कितना चाहिए था अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, और इसको कितना रुकना पड़ा सिस्टम के अंदर, वेट कितना करना पड़ा, ठीक है। एंड रिस्पॉन्स टाइम होता है कि मतलब प्रोसेस को कब जो है CPU असाइन किया गया, माइनस अराइवल टाइम, तो हमारा निकल जाएगा रिस्पॉन्स टाइम। तो अब टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये फॉर्मूला देखा था, कंप्लीशन माइनस अराइवल टाइम,
तो कंप्लीशन माइनस अराइवल विच इज 2 माइनस 0 2 और 4 माइनस 1 3 और 8 माइनस 4 4th 9 माइनस 5 4th। ठीक है, तो ये हमारा जो है टर्न अराउंड टाइम निकला। देन वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो हमारा टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब इस वाले को और इस वाले से टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट, तो 2 माइनस 2 0 ओके एंड 3 माइनस 2 विच इज 1 एंड 4 माइनस 4 विच इज 0 और 4 माइनस 1 3 ओके। तो हमारा ये इस तरीके से वेटिंग टाइम निकलता है। और रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम निकलने का था कि सीपीयू को कब मिला, ये मतलब प्रोसेस को कब मिला सीपीयू माइनस अराइवल टाइम। तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, सीपीयू को कब मिला यानी प्रोसेस को कब मिला था सीपीयू, तो पी वन जो हमारा प्रोसेस था इसको कब मिला था, जीरो पे ही मिल गया था। इसका अराइवल टाइम क्या था, जीरो था, इसको जीरो पे मिल गया तो विच इज जीरो। ठीक है, पी टू को कब मिला था, तो पी टू को हमारा जो है कब मिला था, पी टू को हमको टू पे मिल गया, टू पे इसको जो है सीपीयू असाइन कर दिया गया था और ये इसका अराइवल टाइम क्या था, वन था। तो टू माइनस वन करेंगे तो हमारा वन निकलेगा ओके। इसी तरीके से पी थ्री को हमारा जो है कब असाइन किया गया था सीपीयू, तो चार पे, ठीक है चार पे किया गया था और ये पहुंचा था कब, ये पहुंचा भी था रेडी क्यू में चार पे ही, तो फोर माइनस फोर हो गया यहाँ पे जीरो। देन ये P4 को कब असाइन किया गया सीपीयू, तो 8 पे और ये पहुंचा कब था, 5 पे। ठीक है, तो 8 माइनस 5 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों का टाइम जो है सेम निकलता है। तो इस तरीके से आप चाहे तो निकाल सकते हैं इसको FCFS को। अब यहाँ पे FCFS का कुछ जो है डिमेरिट्स है, डिमेरिट्स ये है कि इसको जो है मतलब वेटिंग टाइम इसका बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए क्योंकि देख अगर देखिए यहाँ पे P4 है हमारे पास, प्रोसेस P4 है, इसको ये आया लेट से, इसका अराइवल टाइम देखा जाए तो 5 है ना, लेकिन इसकी जरूरत क्या है एग्जीक्यूशन की, सबसे कम है, बस सिर्फ इसको एक यूनिट, आप इसको यूनिट कह लीजिए कुछ भी बस, लेकिन इसको क्या है, इसका बर्स्ट टाइम जो है बस सिर्फ इसको एक यूनिट चाहिए था अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये आया लेट से था, है ना, अराइवल टाइम इसकी 5 है, दैट्स व्हाई इसको जो है ना ज्यादा वेट करना पड़ गया। तो ये FCFS की जो है डिमेरिट्स है, सो इसका थ्रूपुट सही नहीं निकलता है। सो आई होप फ्रेंड्स की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।